फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब कोई? और आज मैं ये ग्रीन मटर है, इसको मैं भिगो के रखी थी रात को, तो मुझे अभी ब्रेकफास्ट में इसको बनाना है। तो मैं ग्रीन मटर का सब्जी और पूरी बनाऊंगी। तो मैं ये ग्रीन मटर को बनाने के लिए पहले मैं ये ग्रीन मटर को थोड़ा कुकर में डाल के और थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के मैं इसको एक ही सीटी लगा लेती हूँ, फिर हम लोग इसको बनाएंगे। एक्चुअली मैं येलो मटर ज़्यादा बनाती हूँ, जो येलो मटर या फिर वाइट मटर भी जिसको बोलते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन के लिए क्या है कि वो नहीं मिल रहा है, तो फिर ये ग्रीन मटर मिल रहा है, तो मैं अभी ये ग्रीन मटर को लाके बनाऊंगी अभी इसको। तो मैं पहले इसको सीटी लगा देती हूँ, फिर हम लोग इसका रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। मटर को अभी कुकर में बैठा दी हूँ मैं। इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, मैं इसमें थोड़ा कमी नमक डाली हूँ क्योंकि इसको फिर से नमक मैं डालूंगी, थोड़ा इसका मसाला मैं, और ये स्वाद अनुसार थोड़ा सा हल्दी, नमक, हल्दी डाल के मैं इसको एक सीटी लगा लूँगी। फिर तो मैं अभी वो मटर को बैठा दी हूँ सीटी आने के लिए, वो एक सीटी आ गया है। अभी हम लोग उसका मसाला का तैयारी करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए मैं कढ़ाई में थोड़ा सा तेल बैठाई हूँ, उसमें मैं फिर थोड़ा सा 2 पीस तेज़पत्ता और थोड़ा सा जीरा डालूंगी, और ये अभी लाल हो जाएगा तो इसके बाद मैं फिर उसमें प्याज ऐड करूँगी। देखिए, मेरा जीरा और तेज़पत्ता लाल हो गया था, उसके बाद मैं इसमें प्याज ऐड कर दी हूँ। अभी मैं प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी, उसके बाद मैं जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट बना के रखी हूँ। ये गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैं इसमें वो पेस्ट को ऐड कर दूँगी। देखिए, मेरा प्याज अभी लाल हो गया है, तो मैं अभी जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली को पेस्ट करके रखी हूँ, जो पेस्ट को मैं अभी इसमें ऐड कर दी हूँ। अभी मैं इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर है मेरे पास, मीडियम साइज़ का ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं कि ज़्यादा छोटा नहीं है, मीडियम साइज़ का है, तो मैं वो टमाटर को भी अभी इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये टमाटर को मैं इसमें अभी ऐड कर दी हूँ। अभी मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक थोड़ा ऐड करूँगी, उसमें थोड़ा ऐड की थी चना में जब बॉईल की थी, मैं आपको दिखाई थी, तभी मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दे रही हूँ, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और ऐड कर दे रही हूँ, और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी ऐड कर दे रही हूँ। आपको ज़्यादा मिर्ची खाना नहीं पसंद है तो आप ग्रीन चिली डालना स्किप करिए, जो मैं पेस्ट में डाली हूँ, ओनली अदरक और गार्लिक का पेस्ट डालिए। तो मैं ये डाल दी हूँ, अभी मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी अच्छे से। देखिए, मैं मसाला को भून रही हूँ, अभी मसाला आधा भुना गया है ऑलरेडी, और ये अभी थोड़ा सा और भुनाएगा, थोड़ा और बाद में इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करके फिर उबले हुए चने को डालूँगी। तो और अभी तो जैसा कि वायरस चला हुआ है, आप लोग को पता होगा, सबको पता होगा कि अभी कोरोना वायरस बहुत ज़ोर से हर एक कंट्री में चला हुआ है, बहुत जगह चला हुआ है, तो हम लोगों के इधर तो सब्जी उब्जी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, फ्लाइट वगैरह आ नहीं रहा है, तो सब्जी तो ज़्यादा मिल नहीं रहा है। तो अभी मतलब ज़्यादातर वही जो हम लोग ग्रीन मटर हो गया, वाइट मटर हो गया, या फिर काबली चना, काला चना, यही सब अभी ज़्यादा बन रहा है घर में, तो वही सब बना के हम लोग खा रहे हैं। और पानी को भी अभी हम लोग तो सब कोई बॉयल करके ही पी रहे हैं, बल्कि एक्वागार्ड का ही पानी है, फिर भी हम लोग ये पानी को, ये देखिए मैं अभी बॉयल करने के लिए रख दी हूँ, ये पानी बॉयल हो जाएगा, फिर ठंडा होगा, फिर हम लोग इसको पीते हैं। तो एक्वागार्ड का ही पानी है फिर भी, कि ये वाला कल जो है, ये हम लोगों का एक्वागार्ड का कल है जिसमें से एक्वागार्ड का पानी आता है। इसका सिस्टम ऑलरेडी, ये सिंक है ना, ये सिंक के नीचे रखा हुआ है और नल ऊपर है, तो इसमें से एक्वागार्ड का वाला जो नल है, इसमें से जैसे कि बर्तन उर्तन धोना होना का जो रहता है, सब्जी उब्जी धोते हैं, वो सबका पानी आता है। वायरस वगैरह सब चला हुआ है, इसके वजह से पानी को बॉयल करके हम लोग पी रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो हो सके तो आप लोग भी बॉयल करके अभी पानी को पीजिए कुछ दिन के लिए, अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। मसाला अच्छे से भुना गया है, मसाला से पूरा तेल भी छोड़ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और अभी मैं थोड़ा सा इसमें ज़रा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूँगी, ये देखिए इतना सा मैं थोड़ा सा इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करके जैसे इसको 1 मिनट के लिए मैं भून लूँगी, फिर इसमें मैं उबला हुआ जो चना जो उबाली थी 1 सीटी के लिए, मैं उसको ऐड कर दूँगी। मसाला उसाला सबको भून के, सब भून के मैं इसको अभी चना को ऐड कर दी हूँ जो मैं बॉयल की थी। अभी मैं इसको ज़्यादा नहीं बॉयल करूँगी, ये ऑलरेडी बॉयल की थी मैं, इसको सीटी लगाई थी 1 ठो। ये ग्रीन मटर ना बहुत जल्दी बॉयल हो जाता है, मतलब 1 ही सीटी में देखिए पूरा कैसे हो गया है ये। इसको मैं बस 1 उबाल आने तक रखूँगी, ज़्यादा बॉयल नहीं करूँगी। तो इसको मैं 1 उबाल आने के बाद फिर मैं इसको बंद कर दूँगी। अभी तो धनिया पत्ता वगैरह भी यहाँ नहीं आ रहा है वायरस के वजह से, क्योंकि फ़्लाइट वगैरह कुछ नहीं चल रहा है, तो दुबई को सामान ही नहीं आ पा रहा है, तो अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो धनिया पत्ता होता तो आप लोग के पास धनिया पत्ता है, तो बॉयल होने के बाद आप थोड़ा धनिया पत्ता भी इसमें काट दीजिए, तो मेरे पास तो नहीं है, तो मैं तो नहीं कट करूँगी। तो अभी इसको एक बॉयल आने के लिए मैं छोड़ देती हूँ पहले। हमारा चना पूरा बॉयल हो चुका है, बहुत अच्छा से ये बन गया है। ओडिशा में तो इसको सब कोई घुघनी बोलते हैं हम लोग,
और ये बहुत अच्छा से बन गया। ये मैं पानी बैठी थी, देखिए ये मेरा पानी भी बॉयल हो गया। अभी मैं पानी को भी बंद कर दूँगी। अब ये ठंडा होने के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी, फिर हम लोग इसको पियेंगे। और अभी मेरा ये चना भी पूरा अच्छे से बन गया है, पूरा बॉयल हो गया। ज़्यादा बॉयल में इसको नहीं करूँगी, थोड़ा सा पूरी मेरे को बनाना, मैं वो बना लेती हूँ, फिर हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। और हाँ, कल वीकेंड है तो कल मैं समोसा बनाने का सोची हूँ, तब कल मैं समोसा का रेसिपी कल या फिर परसों तक मैं अपलोड करूँगी, आप लोग देखिएगा। ओके, आप लोग भी एक बार मेरा ये चना का रेसिपी को ट्राई कीजिए। जो लोग करते हैं तो बहुत अच्छा, उड़ीसा में सबको करते हैं मुझे पता है। जहाँ पे जो लोग नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे फ्रेंड लोग भी हैं उसमें से जो नहीं करते हैं, प्लीज़ वो लोग ये रेसिपी को ट्राई कीजिए। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा है। और अगर मेरा ये वाला वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग अभी तक मेरे चैनल में न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को। प्रेस करने से ये होगा कि मैं नया वीडियो डालूँगी तो आप लोग के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा आपके मोबाइल पर। और हम लोग फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।